नमस्कार, मैं हूँ शिखा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी किचन में आप सभी का। तो आज जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, पके हुए कद्दू की रेसिपी है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। तो मैंने 300 ग्राम के करीब पम्पकिन लिया है, इसे ग्रेट कर लिया है। ग्रेटर जो है मीडियम वाला यूज़ करना है ताकि लच्छे बहुत अच्छे से बन जाएं। ये वाला बहुत बारीक होता है और इधर वाला जो होता है बहुत लार्ज साइज में बनते हैं। तो हमें कौन सा यूज़ करना है? मीडियम साइज़ वाला यूज़ करना है। छिलका उतार दिया है और इस तरह से लच्छे तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे और एक कटोरी दूध है। अगर हम एक इसे पम्पकिन को मेजर करें इस कटोरी से, तो 1.5 कटोरी जो है ये पम्पकिन है ग्रेट किया हुआ, और उसी कटोरी से 2 कटोरी दूध लिया है। एक कटोरी मैंने यहाँ रखा हुआ है और दूसरी कटोरी जो है बॉयल होने के लिए रख दी। ये देखिए, मैंने एक कटोरी जो दूध है वो पकने के लिए पहले ही रख दिया है। इसे बस गाढ़ा करना है। गैस मैंने ऑन कर दी है और जमा हुआ घी है कम से कम 6 से 7 ग्राम है। इसे मोटे बेस की कढ़ाई लेनी है। मेल्ट कर लें घी को अच्छे से। घी देखिए बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे पम्पकिन को डाल देंगे और इसे बराबर चलाते हुए भूनना है। बराबर चलाते हुए भूनना है। फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पे ही भूनना है और तब तक भूनना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए, भूनते भूनते 1 से 2 मिनट लगे हैं इसे भूनने में। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का हो जाए, इसे कवर कर देना है और फ्लेम को लो कर देना है। ये देखिए दूध जो है गाढ़ा होने लग गया है। हाई फ्लेम पे पकाना है इसे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसे हाई किया है क्योंकि मैं उधर कद्दू को भून रही थी। तो अभी क्या है, कद्दू वाली फ्लेम जो है लो कर दी है और इसे हाई कर लिया है। तो बस इतना ही करना है जब तक ये गाढ़ा हो जाए। तो अभी ये बहुत पतला है। हाँ, मैंने बॉइल्ड मिल्क लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच मलाई डाली है। आप कच्चा भी ले सकते हो लेकिन 2 चम्मच बड़े वाले से मलाई डालनी ही डालनी है। तो बराबर चलाते हुए इसे जो है पका लेंगे। ये देखिए अभी गाढ़ा नहीं हुआ है लेकिन थोड़े ही देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे यानी कद्दू को खोल के चेक कर लेंगे कि कैसा पका है। तो देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गया है। जो हमने 1 कटोरी दूध लिया था, अब इस स्टेज पे इसे डाल देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और बराबर चलाते हुए इसे पकाना है। तो देखिए जो दूध है वो पकते पकते हाफ हो गया है। जैसे ही आपने देखना है दूध हमारा हाफ हो गया है, उस स्टेज पे क्या करना है, 1/4 नींबू का एक टुकड़ा ले लेना है और इसे स्क्वीज कर देना है ताकि दूध जो है कर्डल हो जाए।
तो देखिए दूध जो है बहुत पूरी तरह से फट गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, दूध हमारा पूरी तरह से फट गया है। तो अब क्या करेंगे, हाई फ्लेम पे इसे कुछ देर और पकाएंगे। देखिए दूध हमारा काफी थिक हो गया है, ये देखिए। तो अब इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे शुगर, 125 ग्राम के करीब शुगर डाल देनी है और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए चीनी मेल्ट होने लग गई है और इसे धीमी धीमी आंच पे अभी थोड़ी देर और पकने देंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद एक बार दूध फिर से पतला हो गया है, तो जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसे और पकाएंगे धीमी आंच पे। इधर जो है कढ़ाही में भी जो गर्डल दूध था, फटा हुआ दूध था, वो एकदम सूख गया है। ये देखिए इतना भी पानी था, अच्छे से सूख गया है, लेकिन अभी भी कुछ मॉइस्चर है तो इसे भी अच्छे से सुखा लेना है। फ्लेम हाई है और बराबर चलाते हुए हमें इसे सुखाना है। देखिए मॉइस्चर जो है बहुत अच्छे से सूख गया है, मैं आपको पास लाके दिखाती हूँ। ये देखिए अब क्या करेंगे, गैस को स्लो कर देंगे, यानी जिसके पम्पकिन पका रहे हैं उसे स्लो कर देंगे। तो देखिए दूध हमारा जो है गाढ़ा भी हो गया है, थोड़ा सा लग भी गया है। तो अब क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे, यानी दूध वाली गैस को बंद कर देंगे। अब आ जाते हैं पम्पकिन के पास, ये जो गाढ़ा किया हुआ दूध है इसे डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसको लिड से कवर कर देंगे, क्योंकि छींटे जो हैं इसके बाहर आ रहे हैं। तो इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसे हाफ कवर कर देंगे और बराबर चलाते रहेंगे। फ्लेम हाई है, अगर नहीं चलाएंगे इस स्टेज पे तो क्या है, ये नीचे लग जाएगा। देखिए दूध काफ़ी हद तक सूख गया है और पम्पकिन ने, या यूँ कहिए कि पम्पकिन ने अब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब इसमें जो छोटी इलायची होती है उसका पाउडर डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दूध काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है पम्पकिन ने, तो इसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको बता दूं। ये देखिए बिल्कुल ऊपर से गिराने पे ऐसे होना चाहिए। एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये वाली कंसिस्टेंसी जब आ जाए उस स्टेज पे आपने गैस को बंद कर देना है। गैस मैंने ऑफ कर दी है। इस स्टेज पे अगर आप इसमें घी ऐड करना चाहते हैं या इसे और रिच बनाना चाहते हैं, तो उस स्टेज पे आप 1/2 टीस्पून के करीब देसी घी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घी मिलाने से जो है टेस्ट बढ़ जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये ज़्यादा रिच हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी को। हाँ, ड्राई फ्रूट्स जो है आप घी में सेक के भी डाल सकते हो, और अगर नहीं सेकना है तो ऐसे भी डाल सकते हो। तो लीजिए, हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है।
अब इसे सर्व कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे पसंद के ड्राई फ्रूट, तो लीजिए पम्पकिन का हलवा बनकर तैयार है खाने के लिए। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है फेस्टिवल पे भी बनाना है, कभी भी बनाइए कभी भी खाइए। ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बच्चों को बड़ों को सभी को घर में बहुत पसंद आता है। खास इसका ये है कि रेशियो का ध्यान रखना है, और 2 कटोरी दूध लिया था, 1 दूध हमने कर्डल किया है और 1 को गाढ़ा होने तक पकाया है, और पम्पकिन जो है 2 मिनट भूना है, उसके बाद उसको 1 बार ढक दिया, उसके बाद 1 से 2 मिनट लगता है इसे कुक होने में क्योंकि ग्रेट किया हुआ है। तो उसके बाद आपने इसमें दूध ऐड कर देना है। जब भी दूध जो है पकते पकते हाफ हो जाए, जो पम्पकिन में डाला है, उसके बाद आपने उसे कर्डल कर देना है, यानी फाड़ देना है। नींबू डाल के ही फाड़ना है, सिरका नहीं डालना है, नहीं तो सिरके का जो स्मेल है वो हलवे में आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। ग्रेटर का यूज आपने मीडियम वाला करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका हलवा भी बिल्कुल ऐसे परफेक्ट बनेगा जैसे मेरा बना है। हाँ, मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं उस हिसाब से कर लीजिए। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।